हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विषय भोजपुरी। दोस्तों, आप लोगों ने 90 के दशक की रामायण तो ज़रूर देखी होगी, जिसके टीवी पर आते ही सड़कें खाली हो जाती थी और लोग टीवी के आगे बैठ जाते थे। और दोस्तों, उस जमाने में इसकी TRP हवाई जहाज़ से भी ऊपर होती थी। इसका एक एक किरदार हमारे दिमाग में बसा हुआ है। ऐसा ही एक किरदार था लंकापति रावण, जिसे अरविंद त्रिवेदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आइए अरविंद त्रिवेदी की जर्नी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, रामायण के रावण अरविंद त्रिवेदी जी का जन्म 8 नवंबर 1937 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जेठालाल त्रिवेदी था। दोस्तों, असल जिंदगी में राम के भक्त अरविंद त्रिवेदी जी का बचपन मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बीता, लेकिन वो गुजरात में ही पले बढ़े। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई मुंबई के भवान्स स्कूल से की। दोस्तों, कॉलेज खत्म होते ही दशहरा के दिनों में अरविंद त्रिवेदी जी रोज शाम को रामलीला देखने जाया करते थे और इन्हें रामलीला देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी जी के बड़े भाई उपेंद्र त्रिवेदी जी गुजराती फिल्मों के एक जाने माने एक्टर थे और अपने बड़े भाई को देखकर ही अरविंद त्रिवेदी जी ने एक्टिंग में करियर बनाने का फैसला किया। शुरुआती दिनों में ये अपने गली मोहल्लों में होने वाली रामलीला में एक्टिंग किया करते थे और लोगों को इनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। इसके कुछ समय के बाद अरविंद त्रिवेदी जी को गुजराती फिल्मों में काम करने के मौके मिलने लगे और धीरे धीरे करके अरविंद त्रिवेदी जी ने बहुत सारी गुजराती फिल्में की। इसके अलावा अरविंद त्रिवेदी जी ने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया और हिंदी और गुजराती फिल्मों को मिलाया जाए तो अरविंद त्रिवेदी जी ने लगभग 300 से अधिक फिल्में की हैं। जी हाँ दोस्तों, 300 से अधिक फिल्में। सफलता हासिल करने के बाद अरविंद त्रिवेदी जी ने 1966 में नलिनी जी से विवाह किया और इनसे इनकी 3 लड़कियां हैं। सन 1985-86 की बात है, इन्हें पता चला कि निर्देशक रामानंद सागर जी रामायण बना रहे हैं और वे इसके लिए मुख्य किरदारों की तलाश में थे। अरविंद त्रिवेदी जी ने रामायण में केवट का किरदार निभाना चाहते थे, क्योंकि केवट एक राम भक्त था और केवट ने राम और सीता को गंगा पार कराने में मदद की थी। अरविंद त्रिवेदी जी को केवट का रोल मिल चुका था और वो अगले दिन ऑडिशन देने के लिए रामानंद सागर के सेट पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद इन्होंने देखा कि रावण के रोल के लिए सिलेक्शन हो रहा था और पहले से ही 300 लोग वहाँ मौजूद थे। तभी रामानंद सागर जी की नज़रें अरविंद त्रिवेदी पर पड़ी और इन्हें देखते ही रावण का रोल ऑफर कर दिया गया। हम वही बलवान रावण हैं जिनकी भुजाओं की लीला। जब उनसे पूछा गया तो वो बोले कि मुझे मेरा रावण ऐसा ही चाहिए था, जिसमें सिर्फ शक्ति ही नहीं हो बल्कि भक्ति भी हो, वो विद्वान हो, उसके चेहरे पर तेज हो, अभिनय हो और मुझे सिर्फ ये तुम्हारी चाल में ही दिखा, विश्वास हो गया कि तुम इस किरदार के लिए सही हो। अरविंद त्रिवेदी जी ने कभी नहीं सोचा था कि रावण का किरदार निभाकर वो इतना मशहूर हो जाएंगे। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग उन्हें जानने लगे थे। उनका नाम याद रखना। रामायण सीरियल के खत्म हो जाने के बाद अरविंद त्रिवेदी जी 1991 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद बने और इस तरह से अपने फेमस सीरियल रामायण के बाद उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए एक्टिंग को छोड़ दिया और 5 अक्टूबर 2021 को दिल का दौरा पड़ने से अरविंद त्रिवेदी जी की मौत की खबर ने पूरे TV जगत को शोक में डाल दिया।